हेलो एवरीवन। हाँ एवरीवन नहीं करने दोगे? ये देखो आप एवरीवन करो, इधर देखो और इधर करो। हेलो करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस ये देखिए बाबू ने क्या किया मेरी वॉल का हाल, पूरे वॉल का वॉल निकाल दिया बाबू ने। हाँ अभी पीछे पड़ा रहता है बाबू, बहुत गंदा बाबू है, इसको मैनर्स नहीं है। ये क्या क्या करता है लड़का, बहुत गंदा लड़का है। इसको चिप्स खाना है लेकिन मम्मा करेगी इसकी पिटी पिटी पिटी। पा कर दो माँ को, माँ को पा करो, माँ को पा करो, माँ को पा करो। पहले चिप्स देखो खा के आया अभी। पा करो पा करो पा करो पा पा करो पा पा करो। अले माँ को पा कर दिया, माँ को पा कर दिया, भैया ने पा कर दिया माँ को। अब बाय कर दो, शे बाय शे बाय 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 बाय। क्लैपिंग क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। सो गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। फिलहाल मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि अभी हम कहीं जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो किसके लिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं? खुद के लिए करने जा रहे हैं, किसी और के लिए भी करने जा रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, खुश हैं, मतलब बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि अभी हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, बहुत दिन से था चलना नहीं चलना, बट अभी फुल एंड फाइनल हो गया है। तो हमने कहा जो शॉपिंग है वो कर लेते हैं, क्योंकि कुछ हमें अपने लिए लेने हैं, कुछ आनिया के लिए लेना है, कुछ इनके लिए लेना है। क्योंकि अगर हम लड़कियां कहीं जाएं और हमारे पास जितने भी कपड़े हैं ना वो कम पड़ जाते हैं, कुछ भी एंड टाइम में अच्छा नहीं रहता है। देखते हैं ना जब अलमारी खुल के, ये अच्छा नहीं, ये बेकार है, वो बेकार है। तो अभी हमें किसी और के लिए भी कुछ लेना है। 2-3 मॉल जाएंगे क्योंकि वहीं पर हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलते हैं, जितना हो सकेगा ब्लॉग शूट करेंगे, नहीं हो सकेगा तो नहीं करेंगे, फिर आके यहीं से घर का कंटिन्यू कर लेंगे। बट अभी हम निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जी हाँ मॉल में। तब तक के लिए बाय बाय। तुमको वाइट वाली सबसे अच्छी लग रही थी। पापा हमको भी नहीं पता। पापा अच्छा लग रहा है ये वाला, देखिए ग्रीन वाला, ग्रीन ये वाला, ये वाला मम्मा वो लेने गए थे। क्या लोगे? ये भैया ये बता रहे वो कपड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन सर लॉन्ग कुर्ती कुर्ती मेरे पास बहुत हो गई है। दूर से बनाओ अच्छा लग रहा है ये भी। अच्छा लग रहा है।
आजकल ऐसे चल रहा है। ले लो चलो। ये सेम है ना, हाँ ठीक है। इधर आई मामा जींस देखिए। वो रख दीजिए, उसको टांग दीजिए, हटाए सी रख दीजिए। हाँ किसी भी साइज की दो जीन्स देखिए, दो जीन्स नहीं अच्छा, सबसे बड़े पर ज्यादा डिस्काउंट आपके लिए आइसक्रीम मिल के साथ साथ हमारा ले लिए लेडीज पैक तक मिलाया। सबसे नीचे सबसे शानदार डिस्काउंट, इसके लिए मैं कोई टॉप देख लूं, देख लो अच्छा देखने देगा। एक के दाम में दो दीजिए लेडीज टी शर्ट 99 में फायदा उठाइए। क्या ले रहे हो बाबू, क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो, हाँ ले लोगे सब, क्या ले रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो क्या, ए बाबू शॉपिंग कर रहे हो क्या, शॉपिंग तो गाइस हमारी जो शॉपिंग होनी थी ना वो हो चुकी है और अभी हम आ गए हैं चाट खाने के लिए, क्योंकि अगर बाहर निकलो और कुछ खाओ ना ऐसा हो नहीं सकता। क्यों बाबू बाहर निकलो और कुछ खाओ नहीं ऐसा हो नहीं सकता बाबू, मेरी मेरा बाबू गाड़ी चला रहा है, मेरा बाबू सब कुछ खाता है, वो किस पे गया है, मुझ पे गया है और ये इन पे गई है। क्यों तुम नखरा करती हो ना, पापा क्या करते हैं? पापा भी ऐसे करते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम तरो एक सब्जी नहीं खाएंगे, हम लौकी सब्जी नहीं खाएंगे, तो वैसे आप भी करती हो, बस फर्क इतना है कि पापा चटपटा खाते हैं, आप चटपटा नहीं खाती हो और बाबू मेरा सब खाता मेरी तरह है ना, हम आपकी तरह है, हमारी तरह होती तो हर चीज खाती, जैसे हम हर चीज खाते, तीखा तीखा खाते, स्पाइसी खाते हैं। अभी भी पापा ने क्या बोला कि मिर्ची मत डालिएगा, मैंने कहा मेरे वाले में डाल दीजिएगा, बोली थी ना, चाट में बोली नहीं, लेकिन हम आपकी तरह तो हमारा खट्टी रहेगी ना, खट्टी मीठी दोनों रहेगी, दोनों में देखिए खट्टी मीठी दोनों में रहेगी, एक में प्याज रहेगा और एक प्याज रहेगा उसमें मिर्ची रहेगा, नहीं उसमें मिर्ची नहीं रहेगा, जिसमें मिर्ची हाँ दही तो दोनों में नहीं रहेगा। हम लोगों का चाट जब बनता है ना तो चाट देने वाले भैया बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको तीखा नहीं चाहिए, हमको तीखा चाहिए, इनको प्याज चाहिए, हमको प्याज नहीं चाहिए, क्यों तुम भी कुछ बोल लिया करो, हम केवल खाते हैं, खाते तो हम तुमसे ज्यादा हैं, चटपटी चीज चटोरे। बाबू टाइम हो रहे हैं 10:30, जब आते हैं भाई तभी तो हम लोगों को फुर्सत मिलती है, इसमें प्याज नहीं है, मिर्च है, दही नहीं, तो आ गया अभी हमारा दही कोई नहीं रहेगा, उसमें भी दही मत डालिएगा भैया, तो हमारा चटपटा मिर्ची वाला तीखा स्पाइसी आ गया चाट, तो हम जा रहे हैं खाने और इसके बाद फिर हम चलेंगे घर, क्योंकि हमारी सारी शॉपिंग हो गई, हमको पिज्जा दिलाएंगे पापा, उनको पिज्जा खाना है, तो पहले हमारी सारी शॉपिंग हो गई है, खा रहे हैं चाट, अब देखो बाबू कैसे आएगा, देखो खाएगा नहीं लेकिन आएगा बहुत तेज में, हाँ क्या हुआ, क्या भागा 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 बंदर, भागा बंदर, भागा बंदर, भागा, चलो पहले हम लोग खा ले फिर मिलते हैं, ये इसमें मिर्चा है। सो गाइस फाइनली हमारी जो शॉपिंग थी वो हो चुकी है, कुछ शॉपिंग जो है वो बाकी है, और ये देखिए आनिया क्या की, ये ऐसे अपना घर जो है वो बनाती रहती है, और अभी जो है ना शॉपिंग करके हम बहुत थक चुके हैं, तो फिलहाल सोने की तैयारी हो रही है, और सोएंगे तब जब बच्चे सोएंगे, उससे पहले तो हम सो नहीं सकते हैं, और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि शॉपिंग करते करते बहुत टाइम हो चुका है, और अभी 12 बज रहे हैं, 12:20 होने वाले, मैं आपको दिखा दूँ टाइम, ये देखिए, तो चलो फाइनली मैं बता दूँ हम किसके लिए शॉपिंग करने गए थे, तो जो मेरी यूट्यूबर है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो पुरानी है और जो नए हैं उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो पुरानी है उनको पता है कि YouTube पर कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं जिनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा मानती हूँ, हद से ज़्यादा, सबसे पहले जिनको देखो इनका फ़ोन आ गया, रात में 12 बजे भी चैन नहीं होता है, किसी ना किसी का तो फ़ोन आते ही रहता है, तो
सबसे पहले मैं आपको वरने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था और मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ। मेरी जो फ्रेंड है, नॉर्मली फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड, जैसे भी फ्रेंड हैं, जो बहुत ख़ास है, जो नहीं भी खास है, उन सबको पता है कि प्रिया दी बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखती है। और मेरा उनसे लगाव था ना, वो आज तक नहीं ख़त्म हो पाया। मतलब जैसा स्टार्टिंग में मैं उनको जितना मानती थी, आज भी उतना मान रही हूँ। और बहुत दिन के बाद मैं दो बार उनसे मिली हूँ, बस ये तीसरी बार हमारा मिलना होगा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो हस्बैंड जी ने मना कर दिया था, किसी तरह उनको मनाई हूँ कि नहीं मुझे चलना है। तो फिर बाबू के एग्ज़ाम वगैरह था, ये सारी देखनी थी, तो चीज़ें नहीं कन्फर्म हो पा रही थी। बस ये था कि हाँ जाना, लेकिन एंड टाइम ऐसा कुछ हो जाए फिर ना जा पाए, तो बस वही था। तो ये क्या है यार, कपड़े मैंने यहाँ डाल रखे क्योंकि बारिश से गीले हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि बता नहीं सकती हूँ, शायद मेरी खुशी आपको मेरे फेस से जाहिर हो रही होगी। और दूसरी प्रीति, आप सभी को पता है, ऐसे दो तीन लोग करके हैं जो मतलब जिनको मैं पहले तो मैं प्रिया दी को ही जानी थी स्टार्टिंग में, उसके बाद मेरी लाइफ में प्रीति आई, ऐसे ऐसे करके तीन चार लोग मेरी लाइफ में आए जो बहुत ज़्यादा खास हैं। पता मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये, अगर मैं क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं किसी को मानती हूँ ना तो यहाँ से मानती हूँ, नहीं मानती हूँ तो फिर बिल्कुल नहीं मानती। मेरे से पता नहीं कि दिखावा हो ही नहीं पाता है, मेरे से बातें निकल ही नहीं पाती। जो मेरी फ्रेंड होंगी, लोकल फ्रेंड, वो मेरी वीडियो देख रही होंगी तो बोल रही होंगी प्रीति सही बोल रही है, मतलब मुझसे अगर मैं गुस्सा हूँ ना तो फिर मैं बोलूंगी नहीं, उसके बाद मैं भड़ास निकाल दूंगी, यार मैं तेरे से इस वजह से गुस्सा थी, तूने ये किया तूने वो किया, उसके बाद खत्म हो जाता। हमारे ग्रुप में जो हमारी कुछ खास फ्रेंड है ग्रुप में यहाँ में, तो उनको पता है कि प्रीति जो बोलती है मुंह पे बोलती है, फिर दिल में नहीं रखती है, और मैं दिल में रख के और ऊपर से मिठास मेरे से नहीं हो पाती, तो बस वही है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और पीहू के लिए हमने कुछ जो हमें लेना था वो हमने ले लिए हैं, और अभी कुछ और लेना है। पीहू भाई स्पेशल है, पहली बार मिल रहे हैं उससे, तो कुछ स्पेशल तो बन भाई उसके लिए, तो कुछ स्पेशल बनते ही बनता है। हमारी बिटिया रानी है, तो बहुत ज़्यादा खुश है यार, बार बार बोल रहा है, तो बहुत एक्साइटेड है सबसे मिलने के लिए। वहाँ कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनसे मेरी बात होती है, लेकिन कभी हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। देखते हैं कैसे क्या कैसे होता है, इंजॉय करते हैं। तो बस कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। एक्साइटेड हूँ ना इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं ऊट पटांग बोल देती हूँ, इसलिए मैं मुंह अपना बंद करके रखती हूँ, जल्दी खोलती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, और खोलती हूँ ना तो बस ऊट पटांगे बोल देती हूँ, मतलब एक्साइटेड में। जैसे अभी मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मेरा पॉइंट कहाँ जा रहा है, इधर से उधर उधर से इधर, बस यही हो रहा मेरे साथ। तो बस चलो ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं प्यारी से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। खुशी का मेरे ठिकाना नहीं है, बाय।